हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एनईसी एजुकेशन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉटन्स थियरम नॉटन्स थियरम इज यूज टू सॉल्व द लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इजीली। तो नॉटन्स थियरम का यूज क्या है लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है हम उसको उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉटन थियरम उसके नीचे उसका स्टेटमेंट है नॉटन थियरम स्टेट्स दैट एट पेयर ऑफ टर्मिनल्स एनी लिनियर एक्टिव बायोलेट्रल नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स आई और आई एन आई एस शॉर्ट सर्किट करंट और नॉटन करंट इन पैररल विद द इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस आर एन नोट रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आई एस सी इज द शॉर्ट सर्किट करंट की हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी इज फ्लो फ्रॉम टर्मिनल्स वेर द लोड रेजिस्टेंस आर एल उसको हम क्या बोलेंगे नॉटन करंट आई एन आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क लुकिंग फ्रॉम द पेर ऑफ द ओपन टर्मिनल्स वेन ऑल सोर्सिसर इंटरनल रजिस्टेंसिस इट इज ऑल्सो नोन एज नॉटन रजिस्टेंस आर एन क्या बोलेंगे हम उसको नोटन्स रजिस्टेंस आर एन उसके ऊपर से मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल तो मैंने आपको यह समझाने के लिए थियरम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है राइट नीचे आप ये सर्किट देख सकते हो जिसके अंदर फोर ओम का रेजिस्टेंस है इंटरमीडिएट रजिस्टेंस का है, एट ओम फोर ओम का रेजिस्टेंस है यह आपका लोड रेजिस्टेंस आर है सो so, ये हमें उसके ऊपर से एक एग्जाम्पल करना है ये सर्किट के ऊपर से। स्टेप नंबर वन रिप्लेस द लोड रेजिस्टेंस आर एल बाय अ शॉर्ट एंड रिड्रो द सर्किट एज शोन इन फिगर हम क्या करेंगे उसको आयल के साथ रिप्लेस करेंगे और फिर से वो सर्किट हम ड्रो करेंगे जो हम नीचे देख सकते हैं स्टेप नंबर टू जिसके अंदर हमने उसको शॉर्ट कर दिया तो करंट जो फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किटेड करंट यानी आई एस सी राइट सो डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी विच फ्लोज थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल्स ए एंड बी फ्रॉम फिगर बी तो ये इसके अंदर आप देख सकते हो राइट right? ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहां पे लिखा है और इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए अभी हम नीचे देखेंगे कि आई एस सी मीन वॉट आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है आई एस सी इज इक्वल टू आई सिक्स डिवाइड बाई सिक्स प्लस एट ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एडिशन उसका आंसर आपको क्या मिलेगा आप उसको सॉल्व करोगे तो जीरो पॉइंट फोर टू एट आई क्या मिलेगा आपको जीरो पॉइंट फोर टू एट आई तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी मिली 0.428 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 plus 6 पैरेलल 8 तो क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन सो 4 प्लस अभी दोस्तों ऐसा आएगा ना जब भी 6 पैरेलल हो तो ऊपर याद रखने का ऊपर क्या आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन तो उसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर मिलेगा 7.428 ओम नाउ द करंट i अभी क्या है एस फॉर ओम्स लॉ i v r

तो उसके अंदर आप देख सकते हो यहां पे मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है सर्किट के अंदर राइट right? तो वही मैंने यहां पे लिखा है रिप्लेस ऑल द बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर एंड डिटरमाइन द इक्वीवेलेंट रजिस्टेंस आर आई विच ओपन टर्मिनल्स ए एंड बी तो वही मैंने यहां पे दिखाया है नीचे आर आई इज इक्वल टू फोर पैरल सिक्स प्लस एट पैरल है तो मैंने आपको क्या बोला ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन

स्टेप नंबर फाइव कनेक्ट द आर एल मीन लोड रेजिस्टेंस अगेन एट द टर्मिनल ए एन बी एस शोन इन फिगर नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर एल इज गिवन बाई अभी लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो है उसका हमें यहां पर सॉल्व करना है सो लोड करंट आई एल इज इक्वल टू नॉटन करंट आई एन नॉटन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नॉटन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस तो उसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट करनी है लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फोर तो उसको एमपियर तो मैंने यहां पे दिखाया हुआ है नॉटन्स के अंदर वो पैरल में आएगा क्या पैरल में आएगा नॉटन्स करंट एंड नॉटन्स रजिस्टेंस वो दोनों किस में आएंगे पैरल में आएंगे राइट right? और ये क्या है आपका लोड करंट आई और ये आपका है लोड रजिस्टेंस आर तो ये दोस्तों आपका हो गया नॉटन्स थियरम कौन सा थियरम हो गया आपका नोटन्स थियरम थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट दैट लाइक बटन इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू मच हेल्पफुल एंड इफ यू आर थिंक फ्रेंड्स गेट बेनिफिट ऑफ इट दैन शेयर विद दैम एंड इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इट विल हेल्प मी अ लॉट